सरकार ने आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए लागू की पुनर्वास नीति पर अमल किया है। बीते दिनों राजनांदगांव जिले में आत्मसमर्पित दो नक्सलियों को 5 लाख और 1.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। साथ ही नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने पर हर संभव मदद देने का भरोसा जताया है। नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उनके लिए पुनर्वास नीति लागू की है। इसके तहत 23 अगस्त 2018 को आत्मसमर्पण किया नक्सली पहाड़ सिंह को 5 लाख रुपए और 2 अक्टूबर 2016 को आत्मसमर्पण किया नक्सली सुरेश कुमार मिंच को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने यह चेक उन्हें सौंपा। साथ ही नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव मदद देने का भी उन्होंने भरोसा जताया। हाल ही में सरेंडर किए थे 2018 में पहाड़ सिंह जो डीवीसी मेंबर था उसके ऊपर घोषित इनाम का 5 लाख रुपया केंद्र सरकार से अभी आया है। उसी प्रकार एसी मेंबर था सुरेश मिंच जो सरेंडर किया था तो उसका पैसा 1.5 लाख रुपया अभी केंद्र सरकार से। कोरिया से मनेंद्र